दिन है। पटना में लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग को लेकर पोस्टर लगाया गया है। पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर और आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर आरजेडी अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक के द्वारा लगवाया गया है। पोस्टर में लिखा है, सामाजिक न्याय के नेता और बिहार के आवास पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। पोस्टर में लालू यादव की तस्वीर है और उसके ठीक नीचे लिखा है, मसीहा हमारे भगवान। बता दें कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी थी। ये सत्ताधारी पार्टी के मुखिया को भारत रत्न देने की मांग उठी और अब बिहार की विपक्षी पार्टी के मुखिया को भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। इस वक्त मैं आरजेडी प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हूँ पटना में, और आरजेडी दफ्तर के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। प्रदेश सचिव हैं अनुसूचित जाति राष्ट्रीय जनता दल के रंजीत रजक उनके द्वारा, और इस पोस्टर के जरिए भारत सरकार से ये अपने नेता लालू यादव के लिए भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लालू यादव को मसीहा बताया जा रहा है। इस बात को कहा जा रहा है कि लालू यादव मसीहा हैं, भगवान हैं इनके, और गरीबों का मसीहा लालू यादव को कहा भी जाता है। और पोस्टर के जरिए देखिए मांग हो रही है भारत सरकार से अपने आदरणीय नेता के लिए एक मांग। सामाजिक न्याय के नेता और बिहार की आवाज़ पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। कुछ दिनों पहले जनता दल यूनाइटेड, जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी है, उसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग उठाई गई थी पोस्टर के जरिए ही, और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, महासचिव हैं, उनके द्वारा पोस्टर उस वक्त लगवाया गया था छोटू सिंह। और अब जो बिहार की विपक्षी पार्टी है, बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी के मुखिया लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग उठी है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित करे। अब देखना है कि लालू यादव को भारत रत्न मिलता है या फिर नहीं मिलता है, लेकिन चर्चा का विषय यह पोस्टर जरूर बिहार की सियासत के लिए हो गया है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विजय के साथ निषेध, जी मीडिया पटना।